यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश औद्योगिक रूप से सक्षम होने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे कि आपको जानकारी है, हमने मध्य प्रदेश के अंदर सभी संभाग केंद्रों पर रीजनल कॉन्क्लेव करते हुए हर संभाग को सक्षम बनाने के लिए, औद्योगिकरण कराने के लिए लगातार प्रयास किए। यही कारण है कि उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर इन स्थानों के साथ संभाग के बाकी केंद्रों पर भी हम लगातार निवेश के अलग अलग प्रकार के घरानों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बेरोजगार युवाओं को काम देने के लिए, खासकर आईटी इंडस्ट्री सभी प्रकार के सेक्टर में हम हर बौद्धिक क्षमता वाला भी, तकनीकी रूप से दक्ष भी और सामान्य युवा भी, जो महिला किसान युवा, सबको काम मिले और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से समृद्धशाली बने, सक्षम बने, हमारी बौद्धिक क्षमता के मित्र यहीं को उनको अपना घर में काम मिले और मध्य प्रदेश को उनकी क्षमता का लाभ मिले। इस नाते से मध्य प्रदेश के साथ साथ हमने देश के भी कई राज्यों से निवेशकों को बुलाने का अभियान चलाया था। आपकी जानकारी के लिए कलकत्ता, मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर ऐसे कई स्थानों पर हम जा कर के अपने रोड शो करते हुए कई उद्योगपतियों को आमंत्रण दे चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हमारी जब ग्लोबली इन्वेस्टर समिट फरवरी में हो रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम विदेश के निवेशकों को भी आमंत्रित करें। इसीलिए मैंने दौरा बनाया, 24 तारीख से लगा करके 1 तारीख तक मैं जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जा रहा हूँ, वहाँ के निवेशकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश ही हमारा सब प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न बने, रोजगार परक बने और ये मध्य प्रदेश में जो वर्तमान की क्षमता योग्यता है उसका सदुपयोग कराने के लिए सरकार विशेष अभियान चला रही। 2025 को हम उद्योग वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा दायित्व बनता है कि हम हर जगह जहाँ भी निवेशक मिले वहाँ वहाँ जाए। तो हमारे लिए आवश्यकता पड़ रही कि हम इस सेक्टर को इस तरह से देखें कि जो हमारे सभी सेक्टरों में निवेश करने की संभावना वाले क्षेत्र, तकनीकी रूप से आज के दौर में यूके और इंग्लैंड के बाद बाकी और अलग अलग देशों में भी इसी प्रकार के अभियान के अंतर्गत जाना पड़ेगा। और एज ए मुख्यमंत्री मैं खुद इस बात को इसलिए पसंद कर रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री राज्य का जब सीधे निवेशकों से बात करता है, उनकी कठिनाई समझता है, तो कोई भी निवेशक अपना पैसा लगाना चाहता है, ऐसे में वो विश्वास भी हासिल करता है। तो हमारा जब मन साफ है, माननीय मोदी जी का नेतृत्व साफ है, तो स्वाभाविक आगे की संभावना बहुत उज्जवल हो जाती है। आइए हम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं, इस अभियान में आप सब शामिल हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामनाएं।